नमस्कार, एमकेच की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने हाइड्रोकार्बन का जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंतर्गत आपने सभी रूल्स एग्जांपल के साथ साथ सीखे थे और जब आपने नाम लिखा था वो संरचना सूत्र को देखते हुए लिखा था। बहुत सारे रूल जो आपने फॉलो किए थे सभी आपने एग्जाम्पल से किए थे। आज आपने जस्ट उसका अपोजिट, हमारे पास आज नाम ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं, हमने क्या करना है इस नाम से संरचना को बनाना है। जैसे हमारे सामने एग्जांपल लिखे हैं, हमने अब इनसे हाइड्रोकार्बन की क्या बनानी है, संरचना बनानी। इसके भी कुछ बेसिक से रूल हैं, अपने प्रॉपर इसका फिर से वो रट्टा नहीं मारेंगे, जैसे जैसे रूल अपने फॉलो करेंगे वैसे वैसे अपनी संरचना बनती जाएगी। तो शुरुआत सबसे पहले कहाँ से करनी है, लास्ट से। बिल्कुल, आपने सबसे पहले कोई भी अगर आपको नाम दिया जाता है तो वहाँ पर आपने सबसे पहले जो कार्बन का जो मेन नाम है वो देखना है। जैसे यहाँ पे प्रोपेन है, हेक्सेन है, ब्यूटीन है, पेंटेन है, क्योंकि ये हमारे को क्या बताएगा, कार्बन परमाणु की संख्या बताएगा किसके अंदर, मुख्य श्रृंखला के अंदर। क्योंकि लास्ट के अंदर किसका नाम लिखा था आप लोगों ने, मुख्य श्रृंखला का। तो लास्ट वाले टॉपिक से नाम से अपने कार्बन परमाणु की संख्या पता चलेगी। तो पहले प्रोपेन है, तो प्रोपेन से अपने को दो बातें पता चली, पहली कि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, तीन है, और उसका जो अनुलग्न है वो एन है। इसका मतलब सारे के सारे बंध क्या हैं, सिंगल हैं। तो स्टार्ट करते हैं संरचना बनानी। प्रोपेन का मतलब आपने सबसे पहले तीन कार्बन इस प्रकार से ड्रॉ कर लेने, ठीक है। एन है, इसका मतलब कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे, द्विबंध यहाँ पे नहीं होगा। एल्केन श्रेणी का ये उदाहरण है। उसके बाद अपने चलते हैं प्रतिस्थापियों की ओर। तो यहाँ पे जो प्रतिस्थापी हैं वो एक जैसे हैं, वो कैसे पता लगा, डाइक्लोरो। डाइक्लोरो का मतलब जो क्लोरीन प्रतिस्थापी है वो यहाँ पे कितनी बार है, दो बार है, और उसकी पोजीशन यहाँ पे मैम की गई है, मेंशन की गई है, वन एंड थ्री। यानी कि जो क्लोरो प्रतिस्थापी है हमारा वो पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पे इसको दर्शा देते हैं एक नंबर पर और दो नंबर पर, इसके अलावा इस श्रृंखला में और कुछ नहीं। रिपीट करता हूँ मैं, सबसे पहले जो लास्ट नेम जो श्रृंखला का नाम होता है अपना प्रोपेन, उससे आपने कार्बन परमाणु की संख्या को उठाना है। प्रोप का मतलब तीन कार्बन थे तो इसलिए मैंने तीन कार्बन एक सिंगल बंद के साथ जोड़ दिए। उसके बाद उसका आपने अनुलग्न चेक करना है, वो था एन, इसलिए यहाँ पर आपने सारे बंद क्या रखे हैं, सिंगल रखे हैं। उसके बाद प्रतिस्थापी को देखा, यहाँ पे क्लोरीन जो प्रतिस्थापी है वो दो बार था, तो दो बार कहाँ था, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वन और थ्री पे उसको क्या कर दिया, लगा दिया। अब जो लास्ट काम है वो होता है कार्बन परमाणु की संयोजकता को पूरा करना। तो वो देखिए, इस कार्बन के दो बंद बन रहे हैं, एक सीएल के साथ, इस कार्बन के साथ, इसलिए इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी दो हाइड्रोजन लगाने के बाद। यहाँ पर भी देखिए, दो बंद बना चुके हैं ऑलरेडी, दो हाइड्रोजन लगा दोगे तो इसके चार बंद कंप्लीट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे, तो ये था अपना 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। अब इसके अंदर आपने नाम किस प्रकार से लिखा है, इसका भी अपने एक बार आईयूपीएससी दोबारा से लिख सकते हैं। कैसे, ये हमारी क्या है, मुख्य श्रृंखला है। तो यहाँ पे अपने लिख देते हैं, ये हमारी है मुख्य श्रृंखला। अंकन अपने कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हो तीन विषम परिस्थिति है, तो एक दो तीन, तो जैसे ही आप अंकन करोगे दोनों तरफ से प्रतिस्थापी को क्या मिलेंगे, एक जैसे अंक मिलेंगे और अपनी श्रृंखला के नाम पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपने श्रृंखला सेलेक्ट करके भी दिखानी है, उसका अंकन करके भी दिखाना है, और प्रतिस्थापी को अलग से दर्शाओ तो आप दर्शा भी सकते हो कि ये हमारे प्रतिस्थापी, ठीक है। तो ये था अपना कि नाम से आपने कैसे संरचना बनानी है, उसका उदाहरण नंबर एक। अब देखते हैं दो नंबर एग्जांपल आपने कैसे बनाना है। तो दो नंबर एग्जांपल के अंदर देखिए, सबसे पहले पहचान करेंगे किसकी, कार्बन परमाणु की संख्या की। वहां पे मेंशन हो रहा है हेक्सेन, इसका मींस वहां पे कितने कार्बन परमाणु है, छह। फर्स्ट पार्ट के अंदर छह कार्बन परमाणु आपको दिख रहे हैं आराम से। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रतिस्थापियों को मेंशन करना है कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से प्रतिस्थापी हैं और कितने नंबर पर है। तो कहीं से भी आप इसका पहले अंकन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अपने बाईं तरफ इसका अंकन कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर सभी प्रतिस्थापी आपने अच्छे से याद कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने तीन नंबर पर क्या लगाना है, एथिल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2 एंड CH3, और चार नंबर पे हमारा क्या है, मैथिल है।
तो ऊपर वाली हमारी क्या होगी, मुख्य श्रृंखला होगी। इस प्रकार से तीन नंबर पे आपने क्या समूह लगाया है, तीन नंबर पे एथिल लगाया है और चार नंबर पे क्या लगाया है आपने, मैथिल लगाया है। और लास्ट काम फिर हमारा क्या रहा, कार्बन परमाणु की संयोजकता को पूरा करना। यहाँ पे देखिए एक बंद है तो यहाँ पे आप CH3, इसी प्रकार से आप पहले सीख चुके हो कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरा करना, आपने सभी जगह उसके चार बंद क्या करने हैं, पूरे करने हैं। ये आसान काम है, आप इसको देख के पहले वाले वीडियोज़ को देखते हुए, पहले वाले एग्जाम्पल को देखते हुए इस हाइड्रोकार्बन को पूरा करना है। तो मेन इसके अंदर क्या था, सबसे पहले आपने कार्बन परमाणु की श्रृंखला लेनी है, उसके बाद उसको अंकन करते हुए आपने जो प्रतिस्थापी उस एग्जाम्पल के अंदर आपको दिए हुए हैं उसको आपने नोट कर देना है, जिस पोजीशन पे आपको उदाहरण के अंदर दिए गए हैं। इसके साथ चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है, क्यों, पहले देखो यहाँ पे दिया हुआ है ब्यूटीन। ब्यूटीन का मतलब यहाँ पे कितने कार्बन शो करेंगे अपने, चार, 1, 2, 3 और 4। चार कार्बन शो करने के बाद इसका अनुलग्न यहाँ पे चेंज है। ऊपर वाले जो दो एग्जाम्पल थे वो एल्केन श्रेणी के थे, ये वाला एग्जाम्पल आपका एल्कीन यानी कि द्विबंध की श्रेणी का है। और आपको बताया गया था कि प्रोप तक द्विबंध की पोजीशन नहीं दिखाई जाती, क्योंकि प्रोप के अंदर तीन कार्बन है, तो जहाँ भी आप द्विबंध लगाओगे उसकी पोजीशन पहले वाले कार्बन पे ही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए ब्यूट, चार कार्बन आपने लगा दिए हैं। वन ब्यूटीन का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक नंबर जो कार्बन है वो द्विबंध लगा हुआ है उसके साथ। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रतिस्थापी है, उससे पहले अपने इसका अंकन करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। चार कार्बन है, ब्यूट था, सभी का आपने अंकन कर दिया। रूल अपना यह था अभी द्विबंध को आपने कम नंबर देने हैं तो बिल्कुल कम नंबर दिए, एक नंबर पे आपने इसको मेंशन किया। अब अपना जो प्रतिस्थापी है वो तीन नंबर पे है, तो तीन नंबर कार्बन के साथ आप कौन सा ग्रुप लगा दोगे, मैथिल समूह लगा दोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इस कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी करना है और श्रृंखला को अलग से सिलेक्ट करके दिखा देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 मैथिल और 1 ब्यूटीन। एग्जाम्पल नंबर फोर के अंदर देखिए टोटल 5 कार्बन है, पहचान हुई किससे, पैंट से। तो 5 एग्जाम्पल, सबसे पहले अपने पैंट से 5 कार्बन को लिखना है। एन मतलब फिर से एल्केन श्रेणी का एग्जाम्पल है, तो आपने सारे बंद क्या रखने हैं, सिंगल रखने हैं। उसके बाद मेन श्रृंखला को सिलेक्ट करते हुए 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद आपके जो दो प्रतिस्थापी हैं ब्रोमो और क्लोरो, ब्रोमो का प्रतीक आप जानते हैं Br और इसका क्या होता है Cl, तो 2 नंबर पे ब्रोमो है तो आप 2 नंबर पे क्या लगा दीजिए, ब्रोमो लगा दीजिए, और 3 नंबर पे आप क्या लगा दीजिए, क्लोरो लगा दीजिए। मेन बात मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने प्रत्येक एग्जाम्पल के अंदर कार्बन की संयोजकता को क्या करना है, कवर करना है, उसके बिना एग्जाम्पल क्या माना जाएगा आपका, रॉन्ग माना जाएगा अगर आप सिंपल कार्बन लिख के आते हो। तो प्रत्येक एग्जाम्पल के अंदर उसका अंकन, मुख्य श्रृंखला, प्रतिस्थापी और कार्बन परमाणु की संयोजकता को पूरा करना, फिर ही आपको इसके अंदर पूरे मार्क्स मिलेंगे और प्रत्येक एग्जाम्पल के अंदर आपने ऐसा करना भी है। चलते हैं इसके लास्ट एग्जाम्पल की ओर। लास्ट एग्जाम्पल है 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। अब ब्यूट का मतलब कितने कार्बन हो गए इसके अंदर, 4, तो 1, 2, 3 एंड 4, चार कार्बन है इसके अंदर। 1 ब्यूटाइन का मतलब क्या है कि एक नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद प्रतिस्थापी इसके अंदर 4 नंबर पे है, तो पहले आपको क्या सिलेक्ट करनी पड़ेगी, श्रृंखला, यहाँ से अंकन होगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद प्रतिस्थापी हमारा 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे हम क्या लगा देंगे, हमारा प्रतिस्थापी क्लोर। उसके बाद का काम क्या है कि आपने इसकी संयोजकता को क्या कर देना है, पूरा कर देना है। तो आप गिन के काउंट करके देख सकते हो प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वो 4 बंद बनाता हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो नाम लिखना थोड़ा हो सकता है कठिन हो, लेकिन फॉर्मूले से, नाम से फॉर्मूला बनाना ईजी हो सकता है। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे है कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल से जितने बुक के अंदर है, बुक के या जो पीछे आंकिक पर्सन है, जितने भी आपको बोर्ड पे करवाए गए हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हुए लगातार करके आपके लिए क्या होता जाएगा, आसान होता जाएगा। अब अपन लोगों ने दो पद्धतियां इसके नामकरण की छोड़ी थी, एक थी आपकी रूढ़ पद्धति, एक थी आपकी व्युत्पन्न पद्धति। तो रूढ़ पद्धति के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सारणी शो हो रही है, जिसको आपने देखते हुए सिर्फ लर्न करना है। ऐसा क्यों है,
क्योंकि वो फॉर्मूले कुछ कंपाउंड्स लिखे गए हैं जिन यौगिकों से उनकी प्राप्ति होती है उन्हीं से उसका नाम डायरेक्टली रखा गया है। तो ऐसे तीन चार कंपाउंड हैं, 1, 2, 3, 4 मार्स गैस लैक्टिक एसिड, ऐसे तीन चार कंपाउंड्स हैं, वो आपने एज इट इज़ क्या करने हैं, याद करने हैं। अब रूट पद्धति के अंदर तीन नाम ऐसे हैं जिसकी संरचना आपको बनानी आनी चाहिए, उसके अंदर आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए, उसका IUPAC नाम कैसे लिखना है वो अपने को पता होना चाहिए। उस टेबल को याद करने के बाद रूट पद्धति के अंदर दो स्पेशल्स यौगिक हैं जो आपने बहुत अच्छे से कवर करना है इनको। इसके देखिए नाम, एक आइसो और एक नियो, ये एक ग्रुप का नाम है। कैसे, आप इस ग्रुप को देखिए, इस कार्बन के साथ दो CH3 समूह इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, एक संयोजकता इसकी फ्री है, यानी कि यहाँ पे आके कोई भी कार्बन जुड़ के इस यौगिक को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो ये ग्रुप को आपने बेसिक नाम याद रखना है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपने, आइसो। अगर वहाँ पे तीनों CH3 समूह एक साथ आ जाते हैं वो ग्रुप क्या बन जाता है, नियो। रूट नाम लिखना बड़ा ही आसान है। कैसे, अब यहाँ पे देखिए कुल कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको अभी तक, तीन, क्योंकि एक कंपाउंड अभी पूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की एक संयोजकता क्या पड़ी है, फ्री पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, पूरा कर देते हो, ठीक है। तो इस ग्रुप का जो नाम है वो क्या था, आइसो था। नाम लिखना कैसे आसान है, क्योंकि जैसे ही आपको एक ग्रुप मिले उसका नाम कहाँ से स्टार्ट करना है आपने, आइसो से। उसके बाद सारे बंद आपको क्या दिख रहे हैं, सिंगल। कुल कार्बन कितने हैं, चार। क्या नाम हो गया इसका, आइसो ब्यूटेन। यानी कि आपने सिर्फ इतने ग्रुप को याद करना है, उसके बाद आपने टोटल कार्बन गिनने हैं, कितने कार्बन हो रहे हैं, यहाँ पे चार कार्बन है, टोटल क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसी की एक श्रृंखला आपको और बना के दिखाते हैं, CH, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। इस ग्रुप को देखने के बाद सबसे पहले अपने पहचान करनी है कौन से ग्रुप की, आइसो ग्रुप की। तो आइसो ग्रुप की पहचान करने के बाद आपने कुल कार्बन परमाणु संख्या काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो नाम कहाँ से शुरू करना है आपने, आइसो से, और ख़त्म कहाँ पे करोगे, 6 कार्बन नाम कहाँ से शुरू होता है, हेक्स, लास्ट में क्या लगा दोगे, एन। सारे बंद क्या है, सिंगल। तो रूट के अंदर जो पहला पार्ट था वो आपका कंप्लीट है, कि आइसो ग्रुप ये आपने पहचान करनी है, कि ये वाला आपका आइसो ग्रुप है, इसका नाम सबसे पहले, उसके बाद जितनी कार्बन परमाणु की संख्या आप टोटल काउंट करोगे वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। अगर मान लो आप एक कार्बन से संयोजकता पूरी करते हो, ब्यूटेन पे फिनिश हो जाएगा। अगर आप इसको बढ़ा के और लंबा लेके जाते हो तो आपने यहाँ पे कुल कार्बन गिनने, ध्यान रखना, कई बार डाउट हो जाता है भी आप आइसो ग्रुप को छोड़कर बाकी कार्बन काउंट कर लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपने, आपने आइसो ग्रुप समेत जो कार्बन है उसके समेत ही आपने क्या लिखना है, नाम लिखना। जैसे हेक्सेन था, इसके अंदर तीन कार्बन आउट है, तो कई बच्चे लिख देते हैं आइसो प्रोपेन, लेकिन ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ये तीन कार्बन इसके अंदर क्या होंगे, ऐड होंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, आइसो हेक्सेन। सेम रूल लगते हैं अपने किस ग्रुप के ऊपर, नियो ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए नियो ग्रुप आपको पहचान करना है इस प्रकार से, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इसकी संयोजकता पूरी कर दी, पूरा कंपाउंड आपने ये बनाया है, तो नियो लिख के आपने टोटल काउंट कर लेने हैं, कितने कार्बन है, तीन, टोटल कितने हैं, 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन। इस ग्रुप का नाम क्या था आपका, नियो, कुल कार्बन आपने कवर किए, हेक्सेन। अगर मान लो आप स्कोर बढ़ाते हो, 7 कार्बन हो जाएंगे, तो आगे हेप्टेन, जितना आप बढ़ाना चाहो इसको आप बढ़ा सकते हो, लेकिन मेन रूट पत्ती के अंदर आपने क्या ध्यान रखना है, आइसो ग्रुप और नियो ग्रुप। तो क्वेश्चन आने की संभावना कैसी होती है, या तो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भी आप इसकी सिर्फ संरचना बना दीजिए, या आपसे क्या पूछा जाएगा, IUPAC नाम वो कैसे है वो देखिए। रूट पत्ती के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एग्जांपल है, कि नियो पेंटेन का आपने IUPAC नाम लिखना है और नियो हेक्सेन का आपने IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले अपने नाम से क्या बनानी है, संरचना। तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है, आइसो ग्रुप। तो CH के साथ कितने ग्रुप थे, CH3 के 2। पेंट का मतलब आपने टोटल कार्बन कितने कवर करने हैं, 5। तो ये ग्रुप अपना आइसो, टोटल कार्बन कितने हो गए, 5। दोनों की आपने संरचना बना दी। कल आपने सीखा था कि आपने इस श्रृंखला को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 2 CH3 समूह से हैं, आप इसको 90 डिग्री एंगल पे क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो ये अपनी मेन श्रृंखला होगी, उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है इस प्रकार से, नंबरिंग करनी है, रूल्स आप जानते हो अच्छी तरह से, प्रतिस्थापी को कम नंबर देने, नाम लिखना है 2-methyl, और 4 कार्बन बचते हैं अपनी मेन श्रृंखला के अंदर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-methyl-butane। तो इस प्रकार से आपने आइसो ग्रुप का क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। अब आपने क्या करना है,
अलग अलग कार्बन संख्या, जैसे मान लो मैंने 5 का बनाया है, आप 7, 8, 9, 10 तक आइसो के ग्रुप बनाइए और अलग अलग प्रकार से आपने इसका IUPAC नाम लिख कर देखना है। होगा क्या, मेन ट्रिक क्या है चेक करने की, दो नंबर पे परमानेंटली क्या रहेगा, यहाँ पे मेथिल रहेगा और जितने कार्बन आप देख रहे हो उससे एक कार्बन आपकी श्रृंखला के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुल कितने थे, 5 पेंटेन, एक अपना प्रतिस्थापी अलग हो जाएगा और 4 कार्बन का अपने नाम लिख देंगे ब्यूटेन। अब लिखते हैं नियोहेक्सेन, तो नियोहेक्सेन के अंदर 3 अपने समूह क्या थे, CH3 CH3, हेक्सेन का मतलब टोटल कार्बन यहाँ पे कितने लेने हैं आपने, 6, तो 6 काउंट कर सकते हो आप। उसके बाद आपने क्या सिलेक्ट करनी है, श्रृंखला 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे देखो 2 पे प्रतिस्थापी, 2 पे फिर प्रतिस्थापी, तो 2, 2 डाई, इसलिए क्योंकि एक प्रतिस्थापी दो बार है, 2, 2 डाई मेथिल और यहाँ पे भी क्या आएगा, ब्यूटेन। तो आइसो और नियो ग्रुप के अंदर एक बात कॉमन रहेगी कि यहाँ पे जो 2 नंबर पे ग्रुप है वो मैथिल रहेगा और यहाँ पे नियो ग्रुप के अंदर हर बार आप कोई मर्जी श्रृंखला सेलेक्ट कर लेना, वहाँ पे 2 और 2 पे मैथिल ग्रुप आएगा ही आएगा। यहाँ पे कुल कार्बन के से एक कार्बन कम हो जाएगा मेन श्रृंखला के अंदर, जैसे यहाँ पे कुल कितने थे आइसो पेंटेन के अंदर, 5 कार्बन थे, लेकिन जब आप नाम लिखोगे तो कार्बन तो 5 ही रहेंगे, लेकिन अपनी जो मुख्य श्रृंखला है वहाँ पे एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बल्कि नियो ग्रुप के अंदर क्या होता है कि 2 कार्बन प्रतिस्थापी में चले जाते हैं और मुख्य श्रृंखला के अंदर 2 कार्बन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हेक्सेन से नाम के अंदर क्या आ गया, ब्यूटेन। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला हो गया आपको अपना आंसर चेक करने का। तो IUPAC यहाँ पे एक बार आपकी रिपीट होगी, कौन सी पत्ती के अंदर, रूट पत्ती के अंदर। तो यहाँ पे आपने हाइड्रोकार्बन की 2 पद्धतियाँ IUPAC और उसके साथ साथ आपने रूट पद्धति, जिसके अंदर आपने एक टेबल कवर की अच्छे से याद करते उसको, उसके बाद यहाँ पे आपने 2 ग्रुप सीखे आइसो और नियो, वो होते कैसे हैं, उसका नाम आपने कैसे लिखना है, आपस के अंदर कंपैरिजन कैसे करना है, उनका IUPAC नाम कैसे लिखना है, वो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसके अलग अलग संरचनाएं बनाकर इसके कई प्रकार से नाम लिखकर देखें। चलते हैं अपनी लास्ट पत्ती व्युत्पन्न पद्धति की ओर। तो नामकरण फिनिश करते हैं अपनी लास्ट पत्ति की ओर, व्युत्पन्न पद्धति। तो सबसे पहले आपने सरल यौगिक, आपको कोई भी एक कंपाउंड दिया जाएगा कार्बन का, तो यहाँ पे एक कार्बन CH4 इसका नाम अपने लिख चुके हैं, मेथेन होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, अभी कोई नए यौगिक कार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित करते हुए इसके साथ क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो नाम आपने कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने इसको पहचानते हुए इसका नाम तो लिख ही देना है, और उससे पहले जिन यौगिकों ने उसको व्युत्पित किया है, व्युत्पन्न किया है, वहाँ पे जाकर पहले उनका नाम और लास्ट में ये नाम तो आना ही आना है। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, इसका नाम मेथेन होता है। इसी के साथ देखिए यहाँ पे एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 1, यानी कि जो 3 हाइड्रोजन है वो यहाँ पे क्या हो गए, विस्थापित हो गए। विस्थापित किन्होंने किए, 1, 2 एंड 3। तो नाम कैसे लिखना है इसका ध्यान देना, तो जो मेन नाम है वो सबसे लास्ट में आप लिख दीजिए, यानी कि जो सरल यौगिक का नाम है वो तो आपने लिखना ही लिखना है, जिन्होंने उसके हाइड्रोजन को विस्थापित किया है, उत्पित किया है, रिप्लेस किया है, उसका नाम आपने क्या लिख देना है, उनसे पहले लिख देना है उनकी संख्या के आधार पर। तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या नाम था इसका, मैथिल, ये भी मैथिल और ये भी मैथिल, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ट्राई मैथिल और मैथे। तो व्युत्पन्न पत्ती के अंदर कैसा होता है कि आपको जो सरल यौगिक दिया है उसका नाम तो आपने लिखना ही लिखना है, जिन कंपाउंड्स ने उसको व्युत्पित कर दिया आके, जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, 1 लगा हुआ है, 3 मिस हो गए, 3 को इन्होंने रिप्लेस किया है कार्बन की संयोजकता को पूरा करते हुए, आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो। इसकी संरचना आपने बहुत बार देखी है CH4 की, सी के साथ 4 हाइड्रोजन, 1 वैसे का वैसे ही, 3 व्युत्पित हो गए, कौन से ग्रुप से, मैथिल ग्रुप से, जिन्होंने व्युत्पित किया है उनका नाम आपने क्या लिखना है, पहले लिखना है, और जो सरल यौगिक है उसका नाम क्या आएगा, लास्ट में आएगा। तो ये था अपना पहला सरल यौगिक मेथेन। इसकी काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हो कि आप प्रत्येक हाइड्रोजन के अलग अलग रखते हुए उसकी जगह कोई नया प्रतिस्थापी लगाइए, उसके बाद आप उनके नाम लिखते रहिए और लास्ट में क्या आ जाएगा, मेथेन आ जाएगा। 2 नंबर चलते हैं कार्बिनोल की ओर। इसका पहला एग्जांपल ये है CH3CH2OH। मेन फॉर्मूला क्या है, CH3OH, तो अपने इसको अलग कर लेते हैं, इसका नाम क्या रहेगा, कार्बिनोल रहेगा। अब कितने कंपाउंड्स ने इसको व्युत्पित किया है, तो यहाँ पे देखिए मेन फॉर्मूला क्या था, CH3OH, सिर्फ 1 हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है, व्युत्पित हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे
सिर्फ एक ही ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या लिख देंगे अपने, पहले ये क्या हो जाएगा, मैथिल कार्बिनल। एक एग्जांपल और है इसका सेम टू सेम, CH3 CH2 CH2 OH। तो यहां पे देखना है, यहां पे भी देखो ये चीज सेम है, इसका नाम वापस क्या लिख देंगे अपने, कार्बी नॉल, क्योंकि ये सरल यौगिक है अपना, एक ही हाइड्रोजन यहां पे रिप्लेस हुए है, यहां पे प्रतिस्थापी का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, तो दो कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल कार्बी नॉल हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रतिस्थापी बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इनको नोट करके सरल यौगिक का नाम आपने लास्ट में जो व्युत्पित कर रहे हैं उनका नाम आपने क्या लिखना है, पहले लिख देना है। तो एक बड़ा सा एग्जांपल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट लेकिन करने में क्या है बिल्कुल ही आसान है। CH3 CH2 CH3, दिखने में आपको काफी बड़ा लग रहा होगा लेकिन कितना आसान है आप देखिएगा। यहां पे देखिए कार्बिनोल सी के साथ OH, तो इस ग्रुप का नाम क्या रहेगा अपना, कार्बिनोल रहेगा। अब यहां पे देखिए तीन हाइड्रोजन थे, यहां पे एक भी नहीं है, इसका मतलब तीन हाइड्रोजन को तीन नए कंपाउंड ने यहां पे क्या किया है, व्युत्पित किया है। तो पहचान करते हैं, पहला दूसरा एंड तीसरा। तो तीनों को पहचान करने के बाद आपने इन तीनों का नाम पहले लिखना है, मेन कंपाउंड का नाम आप पहले ही लिख चुके हो। तो सबसे पहले अपने छोटे ग्रुप का नाम लिख देते हैं मैथिल, दो नंबर पे क्या लिख सकते हैं एथिल, और तीसरा कंपाउंड हमारे पास क्या है, आइसो प्रोपिल। यानी कि रूल सिंपल है कि सरल यौगिक का नाम आपने क्या लिखना है, बिल्कुल लास्ट में लिखना है, और उसको क्या विस्थापित कौन कर रहा है वो आपको कार्बन की संख्या बताएगी। यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे एक भी नहीं है, तीन लोगों ने इसको विस्थापित किया है, तो तीनों के नाम आप अच्छे से जानते हो क्योंकि IUPAC के अंदर सभी प्रतिस्थापी आपने अच्छे से कवर किए थे। तो ये थे अपने दो सरल यौगिक, मेथेन और कार्बिनोल। लास्ट जो अपना कंपाउंड है वो है एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, CH3COH, इसे अपने बोलते हैं एसिटिक अम्ल। तो व्युत्पन्न आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक बनाऊ लिख रहा हूँ CH2COH, इसके साथ आप लगा दीजिए CH3 बंद के साथ, ठीक है। तो अपना जो कंपाउंड है वो ये, इसका नाम क्या रहेगा, एसिटिक अम्ल, क्योंकि तो अपना सरल यौगिक का नाम यहाँ पे लिखा आपने कि ये एसिटिक अम्ल है। अब यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन इसके साथ, तीन, यहाँ पे कितने रह गए, दो, इसका मतलब एक कंपाउंड ने इसको क्या किया है, व्युत्पित किया है। तो इसके लिए यहाँ भी व्युत्पित करने वाला कौन है, CH3, उसका नाम क्या है, मैथिल। तो इसलिए आप सरल यौगिक का जो पार्ट है उसके हाइड्रोजन को व्युत्पित करते हुए नए नए कंपाउंड उसके साथ लगा के जो आपने प्रतिस्थापी देखे थे, जितने भी प्रतिस्थापी आपने देखे आप यहाँ पे उसको क्या करोगे, अटैच करके, चाहे आपने मेथेन पढ़ा, चाहे आपने कार्बिनोल पढ़ा, चाहे आपने एसिटिक अम्ल पढ़ा, तीनों के हाइड्रोजन को व्युत्पित करते हुए नए नए कंपाउंड लगाकर उसका आपने व्युत्पन्न नाम खुद लिख के देखना है। इससे आपको बहुत सारे नए एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे और आपकी बहुत सारी इस पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिया है हाइड्रोकार्बन की नामकरण की तीनों जो पद्धतियाँ थी, IUPAC, रूड और उसके बाद व्युत्पन्न। तो इसके बाद तीनों का होमवर्क कंप्लीट करने के बाद, तीनों वीडियोस का जितने भी प्रैक्टिस करने के बाद, इसकी आपको अलग से एक स्पेशल वीडियो इसके एग्जाम्पल की अलग से मिलेगी, जिसको देखते हुए आपने प्रैक्टिस और करनी है, ठीक है। तो इसको सारे नाम को क्लियर करने के बाद आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि सारी वीडियोज़ आप तक लगातार पहुँचते रहें और आप समय का फ़ायदा उठा सको। थैंक यू वेरी मच।